हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अपने डिजिटल हैंडल पर एक खास प्रोग्राम जो कि संबंधित है आप सभी के स्वास्थ्य से। और हमारे कार्यक्रम का नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आप सभी हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर सुने। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज। नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन संस्था के सहयोग से वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। मित्रों, खाना तो हम रोज खाते हैं और अच्छा ही खाते हैं अपने अपने हिसाब से, पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर घर में खुशियां हो और एक रोटी कम ही खाई जाए तो वो शरीर के लिए अमृत है। लेकिन घर परिवार में कलेश, लड़ाई, झगड़े, मारपीट हो तो उस घर में आप चाहे कितना दूध मलाई खा लीजिए, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपने पिछले भाग में सुना कि शरीर का दाग हो या चोट आसानी से दिख जाता है, पर जो चोट मन पे लग जाए उसे ना दवाई ठीक कर सकती है और ना ही पौष्टिक आहार। अब जानना ये है कि वसुंधरा जी क्या करती हैं। वसुंधरा जी अभी स्कूल में बच्चियों के साथ कुछ बात कर रही हैं। पहले सुनते हैं इस बात को। मेरा नाम खुशी है, मैं सही से बोल रही हूँ। मेरे घर में 6 लोग हैं, मम्मी, पापा, भाई, छोटा वाला भाई, मौसी, हम कुल मिला के 6 लोग हम हैं। टेंशन में पड़ जाते हैं और जैसे खाना है, मम्मी पापा को दो तो खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं थाली कि हम नहीं खाएंगे, ले जाओ यहाँ से। फिर भाई के ऊपर असर पड़ता है तो उन्हें घर से बाहर भगा देते हैं। हम सोचते हैं ना लड़ाई हो ना टेंशन हो, झाड़ू बर्तन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फिर ना लड़ाई हो जाए, फिर टेंशन हो जाती है। साथियों, आपने सुना इन बच्चियों का कहना कि कैसे ये घर में कलेश होने के साथ इनका मन खराब हो जाता है। पढ़ाई हो या अन्य कोई काम, उसमें ये अपने आप को नहीं लगा पाते। इनकी गलती ना होने पर भी ये घर में हो रहे कलेश से शारीरिक व मानसिक पीड़ा को सहती हैं और ये किसी से कह नहीं पाते, जिससे इनको कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। अब जानना ये है कि वसुंधरा जी अब क्या करने वाले हैं। मैं स्कूल पहुंची और क्लास यर्थ में जाकर पढ़ाने लगी। उर्मी की बातों से आहत और चिंतित थी, इसलिए मैंने बच्चियों से घरेलू हिंसा पर सवाल करना चाहा, ये जानने के लिए कि वो क्या और कितना समझती हैं। पर मुझे सीधे तरीके से पूछना सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सवाल बदल दिया। और बच्चियों से मिले जवाब से मुझे ये पता चल गया था कि जब घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो भले बच्चे किसी से कह नहीं पाते हों पर समझ जरूर जाते हैं, लेकिन परिवार वाले ये नहीं समझते कि उनके इस तरह के व्यवहार से उनके बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा था मैंने उर्मी के उस 6 साल के बच्चे को,
कि किस तरह से डरा सहमा सा था। वो दृश्य मेरे आंखों में तस्वीर बन छप चुकी थी। स्कूल की छुट्टी होने पर मैं घर आई, पर मेरा मन उर्मी और उसके बच्चे में ही उलझा था। मैंने हमेशा की तरह आज की जितनी बातें थी डायरी में नोट डाउन करना शुरू किया और साथ ही ये भी तय किया कि सुबह मैं सबसे पहले गांव में बच्चियों से बात करूंगी। और सुबह होते ही सबसे पहले रोज की तरह नाश्ता बनाया, पैक किया और गांव की तरफ चल पड़ी। अभी कुछ दूर ही मैं पहुंची थी कि सामने देखा एक महिला झाड़ू लगा रही है। वो कुछ मुझे उर्मी जैसी लग रही थी। मैं और पास गई तो देखा वो उर्मी ही थी। उर्मी, तुम यहाँ? तुम तो अस्पताल में थी ना? जी बहन जी, मैं कल रात में ही अस्पताल से आई हूँ। मैंने कहा तुम्हें तो आराम करना चाहिए और तुम काम कर रही हो। तभी लता और लता की माँ दोनों आ गए। नमस्ते बहन जी। इस उर्मी को समझाइए बहन जी, अभी घाव भरा ही नहीं है और काम करने लगी। पहले बहन जी आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं भी बैठ जाती हूँ और तुम यहाँ बैठो। और लता की माँ और लता को इशारा किया बैठने के लिए। सभी बैठ गए। तभी लता ने कहा, मैम उर्मी चाची को चाचा ने बहुत मारा है, तभी तो इनको इतनी चोट आई है। इतनी बात लता के मुंह से सुनकर उसकी माँ उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है। मैंने झट से कहा, लता की माँ तुम इसका मुंह क्यों बंद कर रही हो? ये बच्ची होकर सच्चाई बता रही है। आपको क्या लगता है लता की माँ, ये बच्ची है तो इसे कुछ समझ नहीं आएगा? बच्चे सब समझते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाते। और जानती हो क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि तुम जैसी माएं बच्चियों का मुंह बंद करा देती हैं, जिसकी वजह से बाद में इन्हीं बच्चियों के साथ उर्मी जैसा व्यवहार होता है और वो अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध कुछ नहीं बोलती। तभी जो दूर खड़ी हेमा की माँ सारी बातें सुन रही थी, वो बोल पड़ती है, बहन जी चुप रहना पड़ता है रिश्तों और घर परिवार के इज्जत को बचाने के लिए। ये बात सुनकर मैंने कहा, हेमा की माँ दूर क्यों हो, यहाँ बैठिए और बताइए आप कि क्या सिर्फ रिश्तों और घर परिवार के इज्जत की जिम्मेदारी हमारी बच्चियों को ही है? लड़कों को क्यों नहीं हम समझाते कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है? सोचिए जरा, अगर हम अपने घर के लड़कों को समझाएं तो आज उर्मी की जो हालत हुई है वो ना होती। और सिर्फ ये बात मैं आपसे ही नहीं कह रही हूँ, ये बात सबके लिए है। घरेलू हिंसा होती है जो उसके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमें बचपन से चुप रहना सिखाया जाता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, बच्चियों को चुप रहने को मत कहिए, अपने लड़के को सिखाइए रिश्तों की अहमियत। उन्हें ये बताइए कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। लड़कियों को गलती से भी कमजोर समझने की भूल ना करें, क्योंकि हर एक लड़की हर एक औरत सृष्टि का आधार है, वो है तो तुम हो। इसलिए हर महिला की इज्जत करो, उसे सम्मान दो, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करो। मेरी इतनी बात सुनकर आसपास की और भी महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं और उनमें से एक महिला बोलती हैं, आपकी बात बहुत सही है बहन जी, ये जो हमारी आदत है सहने की यही बहुत खराब है। लेकिन बहन जी अब हम इस आदत को सुधारेंगे और अब से हमारे गांव मणिपुर में कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होगी, ये हम सभी का संकल्प है बहन जी। मुझे महिलाओं की प्रतिक्रिया देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन इससे पहले मैंने कभी इतने गंभीर मुद्दे पे बात भी तो नहीं किया था ना। फिर मैंने अपने आप को सावधान किया और उन महिलाओं से कहा, मैं आई तो थी बच्चियों से बात करने के लिए, लेकिन आप सभी के साथ बच्चियां भी हैं तो मेरा आना सफल हुआ। और हाँ, अब कभी भी अपनी बच्चियों को चुप रहने के लिए मत कहिएगा। तभी वहाँ मौजूद लता और हेमा साथ में बोल पड़ी, मैम अब अगर बोला भी जाएगा चुप रहने को तब भी नहीं रहेंगे। घर में क्याली लगाएंगे हम, घरेलू हिंसा मिटाएंगे हम, साथ ही शरीर और मन को स्वस्थ बनाएंगे हम। हेमा और लता की बात सुनकर सभी हंसने और शाबाशी देने लगे। और मैंने झट से उन दोनों को गले लगाकर कहा, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि अब मणिपुर गांव जल्द ही बदलेगा। और वहां से मैं स्कूल की तरफ चल पड़ी।
साथियों, आपने सुना कि वसुंधरा जी ने कितने अच्छे से समझाया कि हम महिलाओं को चुप रहने की और सहने की आदत ही हम पर हिंसा होने का कारण है। हमारा सवाल आपसे है कि आप बताएं, हम अपने घर की लड़कियों महिलाओं को ही घर परिवार की इज्जत के बारे में, रिश्तों के बारे में समझाते हैं और अपने घर के लड़कों को क्यों नहीं? आपके हिसाब से क्या लगता है? इसके लिए आप अपना जवाब दे सकते हैं, जिसके लिए हमारी फोन लाइंस चालू हैं। उठाइए अपना मोबाइल और डायल करिए नंबर 7897-96-96-96। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुन दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज़।